और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आपको जानकारी दे दें कि कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण में पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा बार बार बाधा पहुंचाई जा रही है और कई बार पुलिस नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की उपस्थिति में काम शुरू कराने की कोशिश की गई लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि मुआवजा भी उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा मजदूरों पर हथियार भी चमकाने की खबर मिली है। बड़ी खबर आ रही है रांची से, आपको बता दें कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा बार बार बाधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इस पूरे खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी मिल रही है कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और लगातार पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है, क्यों ये मनमानी की जा रही है, पहला सवाल। रितिका, ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल समझ से परे है। कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण जुड़को के अंतर्गत किया जा रहा है। डीआरए इंफ्राकॉम नाम की कंपनी कांटा टोली फ्लाईओवर का काम कर रही है और ये 198 करोड़ की योजना है जो कि अधर में लटक गई है। जी हाँ, 198 करोड़ की योजना है जो अधर में लटकी हुई है। एक HPCL कंपनी के पेट्रोल पंप के संचालक ने जब तब काम बंद करवा दिया है, जिसके चलते वहां से मजदूर भाग जा रहे हैं, राइफल निकल रहा है, बंदूकें निकाल रहे हैं वो लोग, महिलाएं रोड पर आ जा रही हैं, जिसके कारण वहां पे काम करना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर जुड़को ने कई बार जिला प्रशासन से मदद मांगी है और जिला प्रशासन ने मदद उपलब्ध भी कराई है, लेकिन जब जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मौके पर होती है तब तो वो लोग हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद समस्या एक बार फिर से शुरू हो जाती है। अब जुटको तैयारी में है कि जिला प्रशासन से लगातार 2400 घंटे जब तक काम चलेगा तब तक के लिए फोर्स मांगेगी और ये देखना है कि जिला प्रशासन फोर्स उपलब्ध करवा पाती है या नहीं। इसमें जो सबसे गंभीर बात है रितिका, वो ये है कि कांटा टोली फ्लाईओवर को हैंडओवर करने की डेट 4 अप्रैल 2024 है। मतलब 4 अप्रैल 2024 जिनके अब 8 महीने 9 महीने का समय बचा हुआ है, जिसके अंतर्गत उनको हैंडओवर कर देना है कॉन्ट्रैक्टर्स को फ्लाईओवर बनाकर, लेकिन अभी तक आधे से ज्यादा काम बाकी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो HPCL पेट्रोल पंप जिस जमीन पर है उस जमीन को का मुआवजा 2018 में ही भूअर्जन विभाग ने उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया है, मुआवजा दे दिया गया है, सारा कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वो जमीन पेट्रोल पंप के संचालक खाली नहीं कर रहे हैं, जबकि HPCL कंपनी भी बार बार कह रही है कि खाली कर दिया जाए, लेकिन मुआवजा लेने के बाद या मुआवजा का मामला फंसा हुआ है, ये अभी देखना है, ये जांच का विषय है। अभी तक पेट्रोल पंप के संचालक जमीन खाली नहीं कर रहे हैं और वहां पर राइफल और बंदूकें निकाल दी जा रही है। रितिका, बिल्कुल अभिषेक, बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो आखिर ये शख्स है कौन और अभी तक इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, जो जानकारियां जुटको से छनकर सामने आ रही हैं, एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और उनके पास लाइसेंसी हथियार हैं और उनके घर में जो महिलाएं हैं वो उनके द्वारा ये समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। आज भी सुबह जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी लेकिन वहां पर वो लोग फिर से सड़क पर उतर गए, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मानवता के आधार पर, मानवता को ध्यान में रखते हुए आज अतिक्रमण का काम छोड़ दिया है और जल्द ही दोबारा फिर से एक बार अतिक्रमण हटाने के लिए जाएगी। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे दें, कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगातार पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा बार बार बाधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और कई बार पुलिस नगर निगम की इन्फोर्समेंट की टीम भी वहां पर उपस्थित हुई, उनकी उपस्थिति में भी काम शुरू कराने की कोशिश की गई लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा मजदूरों पर हथियार भी चमकाया गया है।